सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। सोनीपत में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जहां चोरों ने एक खिलौने की दुकान को अपना निशाना बनाया, जहां चोर ने लाखों के सामान पर हाथ साफ किया और ये पूरी वारदात दुकान में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें एक शातिर चोर साइकिल पर आता है और खाली बैग लेकर दुकान में घुसता है और पहले सामान को देखता है, जिसके बाद उसे बैग में डाल लेता है और इसी तरह दूसरी जगह जाता है और सामान को उठाकर बैग में डाल लेता है। चोरी खुलासा दुकान के नौकर को शक होने के बाद हुआ। नौकर ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उसमें चोर साफ दिखाई दिया, जिसके बाद दुकानदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। दुकानदार ने बताया कि लड़का पिछले काफी समय से दुकान पर आ रहा था और चोर दुकान से अभी तक 1.5 लाख रुपए का सामान ले जा चुका है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, तो चोरी की किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है प्रदेश में, ये तस्वीरें साफ बयां कर रहे हैं। तो सोनीपत में चोरों ने खिलौने की दुकान को निशाना बनाया है। संवाददाता पवन राठी का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। पवन, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चले हैं, जहां पर कई समय से यहां पर दुकान पे ये जो बच्चा है वो आता है और अब लाखों के रुपए का सामान यहां पर चोरी कर फरार भी हो जाता है। पवन जी बिल्कुल, देखिए ये सोनीपत की घटना है। सोनीपत के सुभाष चौक पर एक बच्चों के खिलौने का शोरूम है, उसमें एक बच्चा 3 दिन लगातार जाता है, खाली बैग लेकर जाता है और बैग को खिलौनों से भरकर वहां से निकलता है। जब उसके मालिक को पता चला कि कोई बच्चा यहाँ से जो खिलौने चोरी कर ले जा रहा, उसने सीसीटीवी में चेक किया तो बच्चा उसमें साफ सीसीटीवी में दिखाई दिया। बच्चा 3 दिन से लगातार इस चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। उसके बाद शोरूम मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जल्दी गिरफ्तार करने की बात कही थी। बिल्कुल, अभी तक कुछ पता चल पाया है इस आरोपी का, जो यहाँ पर चोरी की वारदात को जिस तरह से अंजाम यहाँ पर दिया गया है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कि पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया और जो सीसीटीवी फुटेज है उसे आसपास के रहने वाले लोगों से फुटेज दिखाई जा रही है कि बच्चे की पहचान हो जाए। ये पता चलता है कि बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला है, कोई छात्र स्टूडेंट है जो इसे वारदात को अंजाम दे रहा था। जी बिल्कुल पवन, यहाँ पर जो पीड़ित दुकानदार है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि पिछले कई दिनों से जो है ये जो बच्चा है वो दुकान पर आता था और इसी तरह से चोरी करके ले जाता था। क्या दुकानदार को कभी कोई शक नहीं हुआ और इस तरह की जो चीजें, क्या बच्चा कोई अभी आसपास का बताया जा रहा है, इसको लेकर कोई पूछताछ अभी तक हो पाई है? जी बिल्कुल, जब शोरूम मालिक ने पता चला, उसके कारिंदे ने उसको बताया कि एक लड़का आता है और वो सामान डाल रहा था, उन्होंने सीसीटीवी चेक की, 3 दिन की सीसीटीवी चेक की तो 3 दिन बच्चा लगातार आता है और चोरी करके निकल जाता है। उसके बाद उन्होंने देखा कि बच्चा फिर दोबारा आए, बच्चा दोबारा शोरूम पे आया नहीं है और पुलिस को सीसीटीवी सौंप दी गई है। पुलिस का कहना है कि इस आरोपी को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं वो आप देख सकते हैं, एक ही बच्चा है और किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम इस बच्चे की तरह से दिया गया। न सिर्फ एक दिन बल्कि कई दिनों से वो इसी तरह की हरकतों को अंजाम यहां पर दे रहा था, जिसके बाद दुकान के नौकर को जब इसका शक हुआ तो सीसीटीवी में ये चोरी करता हुआ बच्चा साफ तौर पर दिखाई दिया। हालांकि यहां पर फिलहाल पुलिस ने मामला तो दर्ज कर दिया है, लेकिन अभी तक आरोपी तक जो है पुलिस के हाथ वो नहीं पहुंचे और जल्द ही गिरफ्तारी की जो बात है वो पुलिस की तरफ से कही जा रही है। तो प्रदेश में लगातार चोरी की वारदातों से जो दुकानदार हैं वो काफ़ी परेशान हैं, उनकी नींदें उड़ाकर इन चोरी की वारदातों ने रख दी है। और अब ऐसा ही एक मामला ये सोनीपत से सामने आया, जहां पर खिलौने की दुकान को निशाना बनाया गया और खिलौने की दुकान को निशाना बनाने वाला एक मासूम बच्चा है, क्योंकि जो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चों पर इस तरह का कोई शक नहीं किया जाता है आमतौर पर, लेकिन आप देख सकते हैं जरा सी लापरवाही किस तरह से इस दुकानदार को भारी पड़ी है। लाखों का जो सामान है वो चोरी करके अब तक ले जा चुका है और अभी भी पुलिस के हाथ खाली पड़े हैं।